खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित करने वाली प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया से जी मीडिया से खास बातचीत में आरजेडी और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा और अपनी पार्टी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी करार देते हुए कहा कि हमें लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमने रोजगार उद्योग की बात की तो अब सभी इसकी बात कर रहे हैं, जबकि बिहार में किसी भी नेता ने कोई काम नहीं किया। हमारा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाना और बिहार को पहले जैसा गौरवशाली बनाना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पुष्पम प्रिया चौधरी। आप दो दो जगह से बांकीपुर और बिस्फी दोनों जगह को क्यों चुना? दो जगह है बिहार में, दोनों जगह को इसलिए चुना क्योंकि एक तो बिहार में मिथिला से लड़ना था और एक मगध से लड़ना था, इसलिए दोनों जगह को चुना। प्रथम चरण के चुनाव खत्म हो गए, आपने 243 सीट पर अपने उम्मीदवार दिए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या फीडबैक मिला? आप 243 सीट पे खड़े किए थे लेकिन उसमें से लगभग 99 हमारे रद्द कर दिए गए नॉमिनेशन। उसके बाद भी हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हैं जिसने कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उतारे हैं और सब कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है। भविष्यवाणी तो नहीं करना चाहिए किसी को भी, लेकिन टारगेट यही है कि सारी सीटें जीते, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते और सरकार बनाए और बिहार जो एक कचड़ा नज़र आ रहा है इसको बदले, जो पहले का बिहार था गौरवशाली वैसा फिर से बनाए। एक तरफ 10 लाख लोगों की रोजगार की बात हो रही है, एक तरफ 19 लाख लोगों को रोजगार आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, आप कहाँ उस बीच में अपने आप को देख रहे हैं? सब ये सब बेकार की बातें, ऐसा तो नहीं है कि वो आज ही आ जाए हैं राजनीति में। दोनों लोग जो बातें कर रहे हैं उनको कितना वक्त मिला था? 15-15 साल मिला था, 30 साल से हैं और 10 लाख देने की जो बात कर रहे हैं वो तो पहले भी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं राइट। 1.25 साल तक 3 विभाग था उनके पास। ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि उन तीनों विभागों में ही आपने कितनी नौकरियाँ दी। मिथिला से आती हैं आप, मिथिलांचल से, मिथिला के लिए कुछ खास अलग से सोचे हैं, क्या करेंगे? पूरे बिहार के लिए करना होगा, बिहार एक राज्य है, बिहार को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ज़्यादा उपेक्षित रहे हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो ये थी हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर से, यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में हैं। कैमरामैन निशांत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया।